पैर के आसपास जो घर खेत के नजदीक पे जो बटिया हैं वहाँ पे जो लोग थे जो बटियों को चलाते हैं उनके संपर्क में बच्ची आती है। वो दो लोग उनमें से दो लोग इसको खेत में एक तरफ ले जाते हैं और इसका इसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लड़की विरोध करती है, दोनों उसका बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं गैंगरेप। और फिर इस डर से कि ये किसी को कुछ बताना ही नहीं दे इससे पे वार करते हैं जिससे कि सिर पे चोट आती है और वो बच्ची वहाँ गिर जाती है। उस बच्ची को मरा हुआ समझ कर ये उसको पास में भट्टियाँ थी उसमें से एक भट्टी को खोल के उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। रात को 11 बजे के बाद उस भट्टी को खोला जाता है। खोलने के बाद उसमें ये देखा जाता है इनके द्वारा कि जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हुई थी, ज़्यादातर हिस्सा उसका बर्न हो गया था पर कुछ अवशेष अभी भी कम थे बहुत, लेकिन अवशेष बाकी थे। तो ये इस तरीके से घबरा जाते हैं कि ये अवशेष यहाँ पर रहेंगे तो कल को जो ढूंढने लोग आएंगे तो इनका नाम उससे लिंक किया जा सकता होगा। तो उस अवशेषों को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं और उनको एक थैले में डाल के नज़दीक में एक पानी है, पानी का पॉन्ड टाइप है, उसमें ये फेंक देते हैं। और इतने में 12:30 के आसपास ग्रामवासी में वहाँ पर आते हैं, भट्टी को जलता देख भट्टी के नज़दीक आते हैं तो भट्टी के नज़दीक में ग्रामवासियों को जो लड़की थी उसकी चप्पलें मिल जाती हैं तो उससे इनको मोटा मोटा आइडिया होता है कि लड़की यहाँ आई थी। और तहकीकात करते हैं तो आसपास जो भट्टी को देखा जाता है तो उसमें एक एक दो हड्डियाँ भी इनको दिखती हैं, जो ह्यूमन बोन्स लग रही थी। अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुँचते हैं, टीमें मौके पर पहुँचती हैं। पूरा घटनाक्रम को साइंटिफिकली इन्वेस्ट करने के लिए हमारी डॉग स्क्वाड, FSL टीम्स और जयपुर से भी टीम्स आई, साइबर टीम्स उसमें लगी हुई थी। पूरे मामले को जब बेहतर गए तो इसमें पता चला कि इसमें टोटल 10 व्यक्ति लगभग, एक दो और भी हो सकते हैं, पर 10 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसके अंदर 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। 4 महिलाएं हैं वो इन्हीं आरोपियों में, कि किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी सिस्टर है, दो तो बीवियां हैं, एक माँ एक बहन, एक इसमें नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया है। तो आज की स्थिति में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5-6 लोग, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, शायद आज शाम तक सुबह तक हम उनको ट्रैक कर लेंगे। उत्तम नामजद क्योंकि इसमें आई विटनेस अभी वाला इशू था तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो साक्ष्य, सूक्ष्म साक्ष्य हमारे टीमों द्वारा एकत्रित किए गए हैं, वैसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं, जिससे कि स्टोर और कन्विक्शन है तो हम उसको करवा पाएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इसको चलान करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट जो दी जा सकती है कैपिटल पनिशमेंट है और ये रेयरेस्ट और रेयर केस की श्रेणी में आता है, इस तरह का केस नॉर्मली नहीं होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सबको दिलवाई जाए, फांसी की सज़ा इसमें मिले, ताकि जितना जघन्य ये अपराध हुआ था उसी के तहत उतनी कठोर सज़ा दोषियों को मिले और एक समाज के लिए भी राष्ट्रधर्म के लिए नजीक सेट। क्वेश्चन है ये जो एफएसएल होगा पोस्टमार्टम होगा कैसे साइंटिफिक एविडेंस तैयार किया जाए? उनको हमने वो पार्ट बड़ा क्रूशल एविडेंस है, वो उनको हमने रिकवर कर लिया है। उसमें हमारे 2-4 प्रश्न हैं जो एफएसएल एग्जामिनेशन के बाद ही तय हो पाएंगे कि क्या जो बच्ची को भट्टी में डाला तो वो जीवित थी, बेहोश थी या उसकी मौत पहले हो गई थी। दूसरा, बच्ची को जैसे एक आरोप ये लग रहा है कि शायद उसके स्लाइसिस या टुकड़े किए गए हैं तो वो हुआ है या नहीं, वो एक हमारा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में रहेगा। तो ये बिल्कुल बहुत क्रूशल एविडेंस है, तो उस रिपोर्ट को हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। आपके लिए जो गेम रेप वो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? लड़की कोई नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। देखिए, हमारे पास जो
आरोपी हैं उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया है तो हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ गया है जिसके अंदर इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा कि हम गैंगरेप को सर्विस कर लेंगे। महिलाओं की संलिप्ति किस प्रकार की? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से महिलाओं की संलिप्ति इस प्रकार आई है कि जब 5:30-6 बजे भट्टी को लड़की को जो गैंगरेप करके जब भट्टी के पास लाया गया तो भट्टी को खोलने में और आग लगाने में उन महिलाओं ने वक्त महिलाएं नहीं थी जहाँ पर उनका झोंपड़े थे उससे 200 मीटर दूर खेत के साइड पे ले जाके किया गया तब वहाँ पर सिर्फ 2 आरोपी ही थे। मारने के बाद झोंपड़ों के नजदीक उनको लाया वो दो जो आरोपी थे जिनका नाम है काना जिनका नाम है काली दोनों अरेस्ट किए जाते दोनों की पत्नियां इन्वॉल्व थी साक्ष्य मिटाने में। हो सकता है कि पूरे क्राइम की जानकारी भी इनको हो एक बार उसे पूछताछ करके हम क्लियर करना। सर लड़की को पहले से जानते थे क्या ये लोग? ये लड़की आप परिचित हैं? संबंध तो नहीं थे इनके बीच? अभी तक संबंध की कोई सूचना नहीं है। एक सर ये जो भट्टे हैं ये इन्हीं लोगों के थे आरोपियों के या किसी और के थे? जमीन क्या इस लड़की के फादर की थी जो किराए पे दे रखी? देखिए जो भट्टे थे ये आरोपी हैं इन्होंने ही बना रखे थे और जमीन इनके फादर की नहीं थी। ये खेत से लगती हुई जमीन थी तो बिल्कुल बाउंड्री पर भट्टे बना। सर ऐसे सर ऐसे और भी भट्टे वहाँ पे आसपास गीली रहती है सर? भट्टे चलते कैसे रात में लकड़ी गीली रहती है सर? फिर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल भी भट्टा चल रहा था जब हम आग लगी थी सर तो ये सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कुछ के खिलाफ है लेकिन पूरा रिकॉर्ड हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ के खिलाफ है अभी तक हीनियस क्राइम का जो शेष मिले हैं वो फुली बर्न है भट्टे के अंदर निकाले हुए ये दिखा सकते हैं सर उसको पहले मार के काटा है या किस तरह से भट्टे में डाला है ये भी नहीं कहा जा सकता। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। एक बात जो कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब प्रथम बार बीजेपी थाने में पहुंचे थे उसमें पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं था उसको लेकर आपने जांच अधिकारी लगाया सर क्या जो सिक्योरिटी में जांच होगी वो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी क्या उसको? हमने 24 घंटे का टाइम दिया था पूरी इंक्वायरी करके हमारे को जांच रिपोर्ट दें। ये आरोप जरूर लगा था कि जब प्रथम बार वो गए थे तो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था और रिस्पॉन्स में उसी वजह से 1.5 घंटे का डिले हुआ है। इसी बात की जांच की जा रही है। उस टाइम पर रात को जो डीओ था मौके पे वो एएसआई जिसके पास ये बच्चे गए थे उसको कल ही सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी लोगों के रोल की जांच की जा रही है। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा दोषी पाया जाएगा जिसने गलती करी है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई। देखिए सारा का सारा अभी हम पहला दिन है अभी पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी जांच का विषय है। मैं उसके हाथ दिले हुए तो कुछ एविडेंसेस उसकी मिली है उनका मेडिकल से जांच कराई जाएगी। हमारा प्रयास है कि टाइम बाउंड मैनर में इसका चलान प्रस्तुत करें और फिर लिमिटेड टाइम के अंदर इसमें जो हाईएस्ट पनिशमेंट हम दिलवा पाए। सस्पेंशन के आदेश देखिए अभी कल एएसआई जो वहाँ का डीओ था उस दिन उसको सस्पेंड किया है बाकी लोगों की जांच जारी है। कुछ और लोगों के सस्पेंशन की डिमांड डेलीगेशन द्वारा की गई है तो उनके लिए मैंने सुबह भी कहा था अभी भी है कि हम हमारे डीपीएसपी महिला सेल उसकी जांच कर रहे हैं। जो लोग इसमें लापरवाह या दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर प्रदर्शन तो अभी भी चल रहा है कोटली थाने में लगातार बंद की भी मांग है शाहपुरा भी शायद कल बंद कराएंगे तो प्रशासन और पुलिस का संदेश अभी काम है? ये सूचना हमारे पास है उसकी जो तैयारी हमें करनी है वो हम करेंगे। काफी कम जो है मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊंगा बट मेजर पार्ट उसका देंगे।
उसका एक तो स्कल का कुछ पार्ट है, फेस एंड स्कल वो बच रहा है, एक चेस्ट जो कैविटी होती है जो आपके रिब केज है उसका कुछ पार्ट बच रहा है, नहीं वो उसका वो एफएसएल भिजवाया जाएगा, उसकी डीएनए सैंपलिंग करा के मैचिंग करानी है और उसमें ये एविडेंसेस कलेक्ट की जाएगी, पहले तो वो एफएसएल भिजवाया सर, ये किसे 150-200 मिनट का तकरीबन 4 बजे से पहले की घटना, 4 के आसपास की घटना है, और फिर इसके बाद 5:30 के आसपास इन्होंने अपने और परिजन जो शाहपुरा के थे 3-4 लोग उनको बुलाया, 3-4 खुद थे, 3-4-5 वो आ गए, 10-11 हो गए, 10 के आसपास हो गए, और फिर ये 10:30-11 बजे के आसपास इन्होंने 4-5 घंटे के बाद उसको खोला, और 12:30-12:30 के आसपास गांव वालों ने आके बताया। सर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये जो इनके परिचित थे ये उनके घर पर गए, बच्चे ढूंढने में भी नाटक किया इन लोगों ने, ये जब बच्ची ये जो बकरियां लेके आई थी बच्ची, तो बकरियां चूंकि वहां रह गई थी, उनमें से एक आदमी बकरियां छोड़ने घर गया था, ये बात हमारे मस्ती